आप देख रहे हैं कि कैसे वापस आ रहा है ये क्रू और ये सारा परीक्षण अभी तक सफल रहा है। आइए इस पर टिप्पणी लेते हैं। सीएम नौटियाल साहब की पूर्व वैज्ञानिक है इसरो के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौटियाल साहब स्वागत आपका, हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं ये टेस्ट लॉन्चिंग, इसके बारे में आपका कमेंट बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाएं। देखिए अभी सुबह शायद मौसम की परिस्थितियों के कारण इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम था उसने इसको रोक दिया था, लेकिन उसके करीब सवा घंटे के बाद ये बहुत सक्सेसफुली बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट ऑर्डर में ये लॉन्च हो गया है। इसकी वेलोसिटी ऊपर से गिरने के कारण जो बढ़ती जाती है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वो भी नियंत्रण में है। पैराशूट इसके खुल गए और उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी को भी कम लाया गया है और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। ये पूरी जो यात्रा है ये 9 मिनट से भी कुछ कम की है, 532 सेकेंड की केवल जी। और इसमें ये वहां पर आकर उतरेगा और बाद में जो हमारे नेवल शिप्स हैं वो उसको आकर कलेक्ट करेंगे जी। तो अभी तक चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं और इसका जो एक मुख्य उद्देश्य था वो तो एक तो था कि इसकी लॉन्चिंग और एक और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो इसका जो इसमें क्रू मेंबर्स होते हैं उनके एस्केप का जो की जो प्रक्रिया है जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो सही तरह से काम करता है। वो भी देख रहे हैं हम। नौटियाल साहब मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तस्वीरें जो स्क्रीन पर हैं वो वापस आने की हैं इस क्रू मॉड्यूल के। पैराशूट 3 दिखाई दे रहे हैं जो इसको थामे हुए हैं और ये वापस लौट रहा है, जिसको आप कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी में ये क्रू जो है मॉड्यूल 3 पैराशूट की मदद से वापस आ रहा है, इसको समझेंगे सर। देखिए जहां पर चंद्रयान की जहां तक बात की आपको याद होगा वहां पर पैराशूट का उपयोग नहीं किया गया था, वहां पर रॉकेट्स फायर किए गए थे। उसका मुख्य कारण यही है कि चंद्रमा के ऊपर वातावरण नहीं है तो वहां पर पैराशूट के उपयोग का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि ये इस समय पृथ्वी पर उतर रहे हैं तो पृथ्वी का वातावरण है तो यहाँ पर पैराशूट्स का उपयोग किया जा सकता है और इन पैराशूट्स के उपयोग से इसके नीचे गिरने के वेग को कम किया जा रहा है ताकि जब ये नीचे गिरे और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जब ये गिरे तो इनका वेग 8.5 मीटर प्रति सेकेंड के करीब तक कम हो जाए और जैसा कि अभी आप लोग अभी बता भी रहे थे कि 200 मीटर या 161 मीटर या उसके बाद 51 मीटर प्रति सेकंड तक इसको ले आया गया था जी। और ये धीरे होते होते हो करीब 8.5 मीटर प्रति सेकंड पर जब आ जाएगा टच डाउन के समय बिल्कुल तो यानी कि सफल टच डाउन होगा सर। मेरा सवाल ये भी है कि ये जो TV D1 है इसका आज परीक्षण हो रहा है, 2025 में मिशन की लॉन्चिंग होनी है, अभी कितने चरण बाकी हैं टेस्टिंग के, क्योंकि जब 3 अंतरिक्ष यात्री भारत के जाएंगे तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है, व्योम मित्र भी उससे पहले भेजा जाएगा, तो अभी कितने चरण बच रहे हैं कि और क्या क्या टेस्टिंग आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि इसके कई परीक्षण में भी 2-3 परीक्षण किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारे 3 क्रू मेंबर्स वहाँ पर जाएंगे उनके जीवन का सवाल है, इसलिए इसको एक एक करके इसकी सभी स्टेजेस, जैसे इस बार इसके सब सिस्टम्स का परीक्षण किया गया है, इसके बाद इसके जो क्रू मेंबर्स के एस्केप का सिस्टम है उसका परीक्षण किया गया है और उसके बाद इसका जो स्मूथली जो टच डाउन है समुद्र के पानी में बंगाल की खाड़ी में वो किया गया है, लेकिन इसके बाद भी इसके कम से कम 1 या 2 परीक्षण मैं समझता हूँ और किए जाएंगे और जब ये पूरा आत्मविश्वास होगा कि हम इसको 0 एरर की तरह से कर सकते हैं उसके बाद ही 2025 में जब इसको भेजा जाएगा तो इसका। सीएम नौटियाल सर ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही है कि 3 पैराशूट की मदद से ये जो मॉड्यूल है ये उतर रहा है, ये कितनी ऐतिहासिक और कितनी बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए और पूरी दुनिया में भारत की साख के लिए? देखिए जहां तक इस तरह के प्रयोगों की बात है अमेरिका और रूस दोनों इस तरह के प्रयोग कर चुके हैं लेकिन भारत के लिए पहला प्रयास था और जब भी कोई चीज पहली बार की जाती है तो अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है क्योंकि फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे मौसम है और शायद मौसम की परिस्थितियों के कारण ही इसको थोड़ा सा आज आगे खिसकाया गया लेकिन अब ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे गगनयान मिशन के लिए कि गगनयान मिशन में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे गगनयान को भेजा जाएगा और उसके बाद उसे वापस लाया जाएगा जी। ये प्रक्रिया जब हम चंद्रमा या किसी दूसरे ग्रह पर भी अपने अंतरिक्षयान को भेजेंगे और उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे तो ये अनुभव उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।
नौटियाल साहब बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि तीन पैराशूट्स की मदद से जो क्रू मॉड्यूल है वो वापस बंगाल की खाड़ी में उतर रहा है और उसकी रफ्तार कम होती जा रही है उसके घर्षण की वजह से। इसको देखकर वो बात याद आ गई जब 1969 में अपोलो मिशन सक्सेसफुली वापस लेकर आया था नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ जो दो और अंतरिक्ष यात्री थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वही तस्वीरें जीवंत हो गई हैं नौटियाल साहब। जी, बस उस समय ये था कि उस समय इनके कैप्सूल में जैसा आपने बताया कि तीन हमारे जो अंतरिक्ष यात्री थे वो भी थे, उनके जो एक नाम आपने लिया उसके अलावा बज एल्ड्रिन और कोलिंस, ये दो लोग और उनके साथ थे। बज एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरे थे। यहाँ पर फिलहाल क्योंकि ये ब्लैंक ट्रायल है, यहाँ पर केवल उद्देश्य ये था कि हम ठीक से लॉन्च कर सकें, हमारा जो क्रूज के मॉड्यूल है वो वहाँ से सफलतापूर्वक सेपरेट हो सके और उसके बाद वो स्मूथली हमारे समुद्र में आकर उतर सके। तो ये दोनों स्टेजेस टेस्टिंग की पूरी हुई और ये तीसरी स्टेज भी टेस्टिंग की। इस समय तालियां बज रही है नौटियाल साहब, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं वहां पर इसरो में सारे वैज्ञानिक खुश हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्नचित हैं, क्योंकि ये जो क्रू मॉड्यूल है ये सक्सेसफुली इन पैराशूट्स की मदद से लैंड कर गया बंगाल की खाड़ी में और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रसन्नचित संतुष्ट वैज्ञानिक इस सफल परीक्षण के बाद। ये देखिए आप, ये तीनों पैराशूट्स जिनकी मदद से ये क्रू मॉड्यूल वापस उतरा है बंगाल की खाड़ी में सफल टेस्टिंग के बाद, उनको आप वहां पर तैरता हुआ देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के समुद्र में। और ये इसरो की तस्वीर जहां पर सारे वैज्ञानिक इसको मॉनिटर कर रहे थे, इस सारे मिशन में, सारी टेस्टिंग में इन्वॉल्व थे, उनकी प्रसन्नता और उनकी संतुष्टि आप इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ महसूस कर सकते हैं। ये देखिए आप, इसरो चीफ सबको बधाई देते हुए इस सफल टेस्टिंग के बाद, तस्वीरें लाइव हैं इसरो से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जितने भी वैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहे हैं सबको बधाई दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं यहां पर इसरो चीफ, और मुस्कुराते हुए उनके चेहरे की बड़ी मुस्कान सब कुछ बयान कर रही है। आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, हम आपसे आज्ञा लेते हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर, पहली तस्वीर श्री हरिकोटा की और दूसरी तस्वीर जिस तरीके से गगनयान की सफल टेस्टिंग की गई है। तो कई दशकों की तपस्या के बाद एक और पायदान की तरफ बढ़ता हुआ भारत, और जिस तरीके से गगनयान की जो TV-D1 की टेस्टिंग उड़ान थी वो सफल रही, प्रक्षेपण शानदार रहा और जिस तरीके की लैंडिंग की उम्मीद थी वो सफलता पूर्वक करवाई गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहले तस्वीर इसरो की जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है क्योंकि उपलब्धियों की तरफ भारत बढ़ रहा है। 2025 में जिस तरीके से गगनयान की लॉन्चिंग होनी है उसका ये पहला चरण जो है वो सफल रहा। सुनते हैं इसरो चीफ एस सोमनाथ को। ABP News आपको रखे आगे।